मार्च 1095 ईस्वी में पोप अर्बन सानी ने प्लास्टिया के मकाम पर ईसाई अकाबर का एक इजलास बुलवाया, जिसमें उनको मुसलमानों के खिलाफ भड़काया गया और मुकद्दस जंग के लिए तैयार होने का हुक्म दिया गया। इस इजलास के बाद उसी साल नवंबर में फ्रांस के शहर क्लेरमोंट में एक बहुत बड़ी मजलिस मुनक्किद की गई। ईसाई दुनिया के इस इज्तमाए अजीम को तारीख में बड़ी शोहरत और अहमियत हासिल है, क्योंकि इसमें बड़े अहम और दूरंदेश फैसले किए गए और पोप ने अपना वो तारीखी फतवा सादर किया जिसने लाखों बंदगाने खुदा को कई सालों तक तकलीफों में जकड़े रखा। इस इज्तमाए अजीम में ईसाई हुक्मरानों, अमीरों, नवाबों, राहबों, पादरियों और आम लोगों ने इतनी कसीर तादाद में शिरकत की कि शहर में कहीं पांव रखने की भी जगह नहीं थी। पोप की आवाज़ पर लब्बाई कहते हुए फ्रांस, इटली, जर्मनी और दूसरे ममालक से ईसाई इस जंग में शामिल होने के लिए निकल खड़े हुए। पोप का फतवा हासिल करने के बाद पीटर दी हर्मट ने अपनी फितना अंगेजी की मुहिम और ज़्यादा तेज़ कर दी और ये उसी की मजनूनाना सरगर्मियों का नतीजा था कि सलेबियों का जोश थमने में ही ना आता था। थोड़े ही अरसे में पीटर दी हर्मट के झंडे के नीचे 1.5 लाख के करीब सलेबी लश्कर जमा हो गया। सलेबियों का पहला लश्कर अगस्त 1096 ईस्वी में वाल्टर दी पेनिलेस की सरकर्दगी में अर्ज़े मुकद्दस की तरफ रवाना हुआ। इस सलेबी लश्कर ने हंगरी से गुजरते हुए वहां के लोगों को इस कदर सताया कि वहां के लोग इनके हम मजहब होने के बावजूद इनके खिलाफ हथियार लेकर खड़े हो गए। चुनाचे उन्होंने मुतहिद होकर सलेबियों पर एक ज़बरदस्त हमला किया और इनके हज़ारों आदमी मार डाले। वाल्टर और इसके चंद साथी बड़ी मुश्किल से वहां से जान बचाकर भागे। इस तरह ये लश्कर अपने करतूतों की बदौलत अपने ही हम मजमू के हाथों बर्बाद हो गया। सलेबियों का दूसरा लश्कर जिसकी तादाद 40,000 के लगभग थी, पीटर दी हर्मट की क्यादत में रवाना हुआ। इन लोगों को पहले लश्कर की तबाही का हाल मालूम हुआ तो इनके गैज़ो गज़ब की इंतहा न रही। ये लश्कर आगे बढ़ा और जोशे इंतकाम में वहाँ के बाशिंदों पर ऐसे होलनाक मुजालम ढाए कि ज़मीनों आसमान लर्जा उठे। सिर्फ एक शहर मेली वेल के 60,000 बशिंदे सलेबी सूरमाओं ने बेदरेग कत्ल कर डाले। रास्ते में आने वाले तमाम शहरों और कस्बों को तबाह बर्बाद करते हुए ये लश्कर कुस्तुनतुनिया के करीब जा पहुंचा। कुस्तुनतुनिया के रूमी बादशाह अलेक्सियस को इन लोगों की सफाकियों और खरमस्तियों का हाल मालूम हो चुका था और वो नहीं चाहता था कि ये लोग कुस्तुनतुनिया में दाखिल हों। यही कैसर रोम था जिसने सबसे पहले पोप और यूरोप के दूसरे ईसाई बादशाहों से अपील की थी कि आप कुस्तुनतुनिया आए, हम आपको अनातोलिया में दाखिल होने के लिए कुस्तुनतुनिया से रास्ता देंगे। अब वही कैसर रोम ये सोच रहा था कि किस तरह इन सलेबी सोरमाओं को अपनी ममिलकत से निकाला जाए। चनाचे कैसर रोम ने बहुत सारे जहाज़ों और कश्तियों का इंतज़ाम किया और इन लोगों को आबनाए बास्फोरस के पार एशियाए कुचक के साहिल पर उतरवा दिया। यहाँ पर सलेबी लश्कर के दो हिस्से हो गए, एक हिस्से की कयादत पीटर और वाल्टर के मुतहत रही और दूसरे हिस्से की कयादत इटली के जंगजू सरदार रेनाल्ड ने संभाल ली। रेनाल्ड सलेबियों का पहला जर्नेल था जो अपने जुनूनी लश्कर के हमरा अर्ज़े रूम यानी एशियाए कुचक की इस्लामी ममलकत में दाखिल हुआ। इन दिनों इस इस्लामी रियासत के फरमारवा सुल्तान किले जिरसलान सलजुकी थे। वो बड़े बाहिम्मत और गयूर इंसान थे। इनका ख्याल था कि सलेबी इनके इलाके पर हमला करने की जुर्रत नहीं करेंगे, लेकिन बाद के वाकयात ने इस अंदाजे को गलत साबित कर दिया। सलेबी सबसे पहले उनकी ममलकत में दाखिल हुए और एक सरहदी किले पर कब्जा कर लिया। यहाँ पर कब्जा करने के बाद सलेबियों ने आसपास के इलाकों को भी लूटना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि उन्होंने मासूम बच्चों को भी नहीं छोड़ा, बल्कि औरतों, बच्चों, बूढ़ों, जवानों सबको कत्ल कर दिया गया। वो मुसलमानों का गोश्त काट काट कर सीखों पर चढ़ाते थे। फ्रांसीसी मुअर्रख मचार्ड लिखता है कि सलेबियों की आंखों पर तअस्सुब की पट्टी बन चुकी थी। उन्होंने सलेब के झंडे के नीचे ऐसे ऐसे खोलनाक जरायम किए
कि फितरत इंसानी इनका तसव्वुर करके भी लर्जा उठती है। रेनाल्ड के पीछे पीछे पीटर और वाल्टर का लश्कर भी मुसलमान आबादियों पर इसी किस्म के मुजालम ढाता आगे बढ़ रहा था। इसके जवाब में सुल्तान क़िलज़ अरसलान ने अपने एक जर्नैल की क़यादत में ज़ेरी गुर्दुस के मुहासरे पर सलेबियों को शिकस्त दी, जिनमें से अक्सर को मुहासरे के दौरान गधों का खून और उनका अपना पेशाब पीने पर मजबूर कर दिया गया, क्योंकि इनकी पानी की फराहमी बंद कर दी गई थी। इस मुहासरे में बहुत सारे सलेबी मारे गए और कुछ ने हथियार डाल दिए। हथियार डालने वालों में भी कुछ ने इस्लाम कबूल कर लिया और जिन्होंने इनकार किया उनको कत्ल कर दिया गया। सलेबियों के दूसरे लश्कर में तुर्क जासूसों ने ये अफवाहें फैलाना शुरू कर दी कि जो सलेबी लश्कर आगे गया था उन्होंने निसिया को भी फतह कर लिया है। चनाचे इस लश्कर में भी आगे बढ़ने का शौक पैदा हुआ ताकि ये भी आगे जाकर वहां लूटमार कर सकें। राहबर पीटर रसद का बंदोबस्त करने के लिए कुस्तुनतुनिया गया हुआ था और ज्यादातर सरदारों ने यह मशवरा किया कि राहबर पीटर के आने का इंतजार किया जाए और उसके बाद पेशकदमी की जाए। ताहम जेफरी बोरियल, जिसे अवाम में ज्यादा मकबूलियत हासिल थी, उसने ये दलील दी कि इंतजार करना बुजदिली होगी और हमें फौरन तुर्कों के खिलाफ हरकत में आना चाहिए। चनाचे जेफरी की मर्जी गालब आ गई और 21 अक्टूबर को सुबह 20,000 की पूरी फौज ने कैंप में औरतों, बच्चों, बूढ़ों और बीमारों को छोड़कर निसिया की तरफ पेशकदमी शुरू कर दी। सलेबी पड़ाव से 3 मील दूर, जहां सड़क एक तंग वादी में दाखिल होती थी, तुर्क फौज इनकी मुंतजिर खड़ी थी। जैसे ही सलेबी लश्कर इस वादी में दाखिल हुआ तो तुर्कों ने इन पर हमला कर दिया। सलेबी लश्कर में फौरन ही खौफो खराज फैल गया और चंद ही मिनटों में पूरे लश्कर को काट कर रख दिया गया। इस लश्कर में से चंद ही सिपाही अपनी जान बचाकर वापस कुस्तुनतुनिया पहुंच सके। इसके बाद सलेबियों का तीसरा लश्कर एक जर्मन पादरी गार्ड सचाल की सरकर्दगी में कुस्तुनतुनिया की जानब रवाना हुआ। ये लोग सख्त बद इखलाक और कमीना सिफ थे, जहां जहां से भी गुजरते लूटमार कत्लो गारत गरी को अपनी यादगार छोड़ते जाते, यहां तक कि अपनी हम मजहब औरतों को दिन दिहाड़े अगवा करके अपने कैंपों में ले आते। ऐसा मालूम होता था कि यरूशलम के बजाय इनकी मंजिल मकसूद शराबखोरी, जनाकारी और डाका जनी है। जब ये लोग हंगरी में दाखिल हुए तो इनकी बदअमालियाँ हद से तजावज़ कर गईं। अहले हंगरी इनको बर्दाश्त ना कर सके और यक जान होकर इन नाम निहाद सलेबियों के खिलाफ उठ खड़े हुए। बलग्राद के नवा में सलेबी लश्कर और अहले हंगरी के दरमियान खून रेज लड़ाई हुई, जिसमें सलेबियों को शिकस्ते फाश हुई और मैदान जंग इनकी लाशों से भर गया। सिर्फ चंद आदमी जिंदा बचे जो छुपते छुपाते अपने वतन वापस पहुंचे। इसके बाद सलेबियों का चौथा लश्कर इंग्लिस्तान, फ्रांस, फ्लैंडर्स और लोरीन से रवाना हुआ। इस सलेबी लश्कर ने भी मुकद्दस जिहाद की इब्तदा यहूदियों के कत्ले आम से की और रास्ते में आने वाले शहरों में उन्होंने हजारों यहूदियों को नहायत बेदर्दी से कत्ल कर दिया और फिर लूटमार करते हुए हंगरी में दाखिल हो गए। अहले हंगरी ने फिर मुतहिद होकर इनका मुकाबला किया और ममसी बर्ग के मकाम पर इनको ऐसी कारी जरब लगाई कि एक सलेबी भी जिंदा ना बच सका। चौथे सलेबी लश्कर के खात्मे के साथ पहली सलेबी जंग का पहला दौर ख़त्म हो गया। इस दौर में अहले यूरोप को होलनाक तबाही और बर्बादी के सिवा कुछ भी हासिल ना हुआ। फ्रांसीसी मौर्रख मचार्ड के बयान के मुताबिक जंग के इब्तदाई दौर में 3 लाख सलेबी अपनी जानें गंवा बैठे। ये सब लोग आम तबके से तल्लक रखते थे, इनमें किसी मुल्क का सरबराह या कोई राइस मौजूद नहीं था।